हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल हेडलाइंस में। मैं हूं इलियास। दोस्तों, इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में कई ऑप्शन अवेलेबल है। यूजर को यहां हर रेंज का स्मार्टफोन मिल जाता है। सिर्फ बजट ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन फीचर्स को भी कंपनीज मेन अट्रैक्शन बनाने लगी है, जिससे यूजर्स के बीच फोन को पॉपुलर होने में वक्त न लगे। कई यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो कम कीमत के स्मार्टफोन्स को प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें बजट रेंज में भी बेहद कम कीमत वाला फोन चाहिए होता है। तो इसी क्रम में आज हम आपके लिए कुछ स्मार्टफोन्स लाए जिनकी कीमत 10,000 रुपए से कम है, इनके फीचर्स भी अच्छे हैं। तो आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में। इसमें सबसे पहले नंबर पर है Redmi 9 है। इस फोन के 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 6,999 रुपए है। वहीं इसके 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 7,499 रुपए है। इसमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1600x720 है। ये फोन MediaTek Helio G25 octa-core प्रोसेसर से लैस है। फोन में 5000mAh की इनबिल्ट बैटरी दी गई है। कैमरा सेगमेंट की बात करें तो फोन में 13MP का AI कैमरा मौजूद है। वहीं 5MP का फ्रंट सेंसर भी दिया गया है, साथ ही फेस अनलॉक AI फीचर भी दिया गया है। दूसरे नंबर पर है Poco C3। इस फोन के 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपए है। वहीं इसके 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,499 रुपए है। इसमें 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रिजोल्यूशन 1600x720 है। ये फोन MediaTek Helio G35 octa-core प्रोसेसर से लैस है। फोन में 5000mAh की इनबिल्ट बैटरी मौजूद है। कैमरा सेगमेंट की बात करें तो फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, दूसरा और तीसरा 2MP का सेंसर है। वहीं 5MP का फ्रंट सेंसर भी दिया गया है। ये फोन MIUI 12 पर बेस्ड Android 10 पर काम करता है। तीसरे नंबर पर है Realme C11। इस फोन के 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपए है। इसमें 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रिजोल्यूशन 1600x720 है। ये फोन MediaTek Helio G35 octa-core प्रोसेसर से लैस है। फोन में 5000mAh की बैटरी मौजूद है। कैमरा सेगमेंट की बात करें तो फोन में ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, दूसरा 2MP का सेंसर है। वहीं 5MP का AI फ्रंट सेंसर भी दिया गया है। ये फोन Realme UI पर बेस्ड Android 10 पर काम करता है। चौथे नंबर पर है Tecno Spark 6 Air। इस फोन के 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 7,590 रुपए है। इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। इसका पिक्सल रिजोल्यूशन 1640x720 है। ये फोन MediaTek Helio A22 क्वाड कोर प्रोसेसर से लैस है। फोन में 6000mAh की बैटरी मौजूद है। कैमरा सेगमेंट की बात करें तो फोन में ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 13MP का है, दूसरा 2MP का सेंसर है। वहीं 8MP का AI फ्रंट सेंसर भी दिया गया है। ये फोन HiOS 6.2 पर बेस्ड Android 10 पर काम करता है। पांचवे नंबर पर है Samsung M01 Core। इस फोन को 2 वेरिएंट पे लॉन्च किया गया है। पहला वेरिएंट 1GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 4,999 रुपए। वहीं दूसरा वेरिएंट 2GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी कीमत 5,999 रुपए। इसमें 5.3 इंच का PLS TFT LCD HD+ डिस्प्ले दिया गया है। ये फोन Android Go पर बेस्ड है। इसमें MediaTek MT6739 प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है, साथ ही 8MP का रियर सेंसर और 5MP का फ्रंट सेंसर दिया गया है। इसकी स्टोरेज को microSD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये टॉप 5 स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।